Assalamu alaikum viewers. मैं बिलाल मिर्जा आपको वेलकम करता हूं बिलाल मिर्जाज वर्ल्ड के रूफटॉप एंड किचन गार्डनिंग चैनल पर और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपकी गार्डनिंग माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हाउ टू डू पेस्टिसाइड स्प्रे, क्योंकि ये मेरे कोचिया के कुछ प्लांट्स हैं इनमें जो है कीड़े पड़ गए हैं, तो आज जो है मैं अपने पूरे गार्डन को एक दफ़ा जो है वो पेस्टिसाइड स्प्रे करूँगा। और जो मैं पेस्टिसाइड स्प्रे यूज़ करता हूँ वो है पॉलीट्रीन सी, बहुत अच्छा पेस्टिसाइड स्प्रे है। आज मैं आपको उसका तरीका बताऊंगा और मैं आपको कीड़े दिखाता हूँ जो मेरे इसके अंदर पड़ गए हैं। इसमें देखें अगर आपको शायद कुछ नजर आए, अभी आपको शायद नजर आ रहे हैं या नहीं, क्योंकि मुझे इस वक्त नजर तो नहीं आ रहे, लेकिन कल मैंने जिस वक्त देखा था मुझे इसमें अपने वो कीड़े नजर आए थे। ये देखें दोस्तों, ये है, ये देखें, ये है, ये भाग ये हो गया दोस्तों। इसमें कल मैंने देखा था दोस्तों वॉर्म्स जैसे कीड़े थे, जैसे कोई वॉर्म होता है, मैं कहीं और देखता हूँ शायद नजर आ जाए मुझे। ये देखें दोस्तों, ये मेरे कोचिया के अंदर जो है बगे, ये अंदर से सीड्स भी गिर रहे हैं। ये छोटे छोटे कीड़े आपको घूमते हुए दोस्तों नजर आ रहे होंगे, तो मैं जरा दोस्तों एक दफा या स्प्रे बनाते हुए भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह इसका स्प्रे बनना है। तो मैं अभी वापस आता हूँ, तो फिर जब मैं स्प्रे करूँगा तो मैं आपको अपना स्प्रे का जो तरीका है वो भी बताता हूँ। यहाँ पे देख लेते हैं शायद इन कोचिया में शायद कोई हमें कीड़े नजर आ जाएं। आप कहीं जाइएगा नहीं, मैं अभी वापस आता हूँ, फिर इंशाल्लाह मैं आपको कीड़े दिखाता हूँ जो कोचिया में है। मैं अभी लौट के वापस आता हूँ। ये मेडिसिन है जो पेस्टिसाइड है जो मैं आज स्प्रे करूंगा, पॉलीट्रीन सी। और ये मेरा पंप है, इसके अंदर मैं मिक्सिंग करूंगा इसकी पॉलीट्रीन सी की और इसमें पानी मिलाऊंगा। ये 30 ml जो है पॉलीट्रीन सी और इसमें मिक्सिंग करेंगे तकरीबन 20 लीटर पानी फुली की ये काम करेगी। 30 ml जो है पॉलीट्रीन सी है, डालो मशीन से। Awesome.
अब ये हम पानी की मिक्सिंग करेंगे। ऊपर से दूसरी या तीसरी ड्रॉज में देखें, ये रशीद बाबू है हमारे, ये मेन गार्डनर है हमारे यहाँ पे, ये दवाई स्प्रे करेंगे। दोस्तों इसकी क्वांटिटी का बहुत ध्यान करिएगा कि क्वांटिटी जो है वो ज्यादा ना हो, क्योंकि अगर क्वांटिटी आपकी ज्यादा हो गई तो आपके प्लांट प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो दवाई जितनी कोशिश करें हल्की स्प्रे कर सकते हैं, थोड़े टाइम के बाद फिर स्प्रे कर दें, ओवरडोज दवाई को मत करें। अब ये हमने 30 ml जो है, वैसे जो स्पेसिफाइड होती है वो होती है 5 ml पर लीटर, यानी कि अगर 10 लीटर है तो 50 ml हो गई, लेकिन मैं हमेशा अवॉइड ही करता हूँ, मैं आधी दवाई को यूज करता हूँ जो भी जो पेस्टिसाइड वाले बताते हैं। ये मैंने इस वक्त 30 ml 20 लीटर पानी में मिक्स कर रहे हैं, और इसको जो है अब ये लेवल जो है आप देखेंगे चढ़ना शुरू हो गया है। ये लेवल, ये हमारे फयाज भाई हैं, ये भी आधे गार्डनर बन चुके हैं। अब ये लेवल आप देखें, आहिस्ता आहिस्ता इसका लेवल जो है यहाँ पहुंच गया है, ऊपर जा रहा है, और ये ऑलमोस्ट तकरीबन 20-21 लीटर ही पानी इसके अंदर हो जाएगा। इसको लगा के हिला ये इसका बंद कर दिया, एक दफा अच्छी तरह हिला लें क्योंकि इसका वेट ज्यादा है। अब दो बंदों को ये स्प्रे मारने का ये तरीका है दोस्तों, इस तरह जो है ये स्प्रे लगेगा। मास्क जरूर पहन लें क्योंकि प्रिकॉशन बहुत जरूरी है, क्योंकि और हमेशा जब भी स्प्रे करें दोस्तों अगेंस्ट विंड के अगेंस्ट खड़े हों कि आपके मुंह पर जो है वो स्प्रे ना आए, आपके ऊपर स्प्रे ना पड़े। ग्लासेस हों तो वो भी ज्यादा अच्छा है कि पहन लिया करें। एहतियात बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये पेस्टिसाइड्स हैं, अगर ये कीड़े मकोड़ों को मारते हैं तो ये इंसानों के लिए भी मुज़हर हैं। आप देखें ये इस तरह जो है प्लांट्स पे हिला हिला के अंदर थोड़ा बहुत स्प्रे कर दें, नीचे कर दें प्लांट्स पे अच्छी तरह, जो भी आपके प्लांट्स लगे हैं। ये यूनिवर्सल है, ये जो भी कीड़े वीड़े होंगे ये उन सबको मारेगा। तरीका थोड़ा सा, क्योंकि वो हमारे एक दोस्त हैं, मेंबर हैं, उन्होंने शायद अपनी सब्जियों को, भिंडियों को, अपनी और ओकरा को और हरी मिर्चों को स्प्रे किया था, तो मैं उनको बताऊं कि ये भी मैं स्प्रे कर रहा हूं, और कल इंशाल्लाह जिस वक्त ये स्प्रे हो जाएगा इसके बाद मैं 3 दिन अपने प्लांट्स के पत्तों पर पानी नहीं मारूँगा, ताकि दवाई का जो असर है वो इनके ऊपर रहे। आज मैंने पानी नहीं इनको दिया है, कल इनको पानी दे दिया था, और आज इनके ऊपर ये पेस्टिसाइड का मैं स्प्रे अप कर रहा हूँ। तो उन्होंने बेचारों ने दे दिया था, और उन्होंने बोला क्योंकि उनसे शायद क्वांटिटी रेशो ज़्यादा हो गया, उन्होंने 1 लीटर पानी के अंदर दूसरी मेडिसिन थी जो मैं अभी अपने हरी मिर्चों के पौधों को मारूंगा, तो कि मुझे उन पर लग रहा है कि उन पर थोड़ी सी मरोड़ी आ रही है, तो उनका भी थोड़ा सा मैं देखूंगा कि क्या उनका करना है, उस पर भी पेस्टिसाइड का थोड़ा सा स्प्रे करूंगा।
और ये जनरल पर्पस है, आप ये सब पौधों पे एक दफा लगा दें। मैं तो दोस्तों ये अवॉइड करता हूँ, 2-3 महीने के बाद जब जरूरत हो पड़े तो मैं यूज करता हूँ, वरना मैं अवॉइड ही करता हूँ कि पेस्टिसाइड स्प्रे ना किया जाए। और हमेशा मेडिसिन जब स्प्रे करें उसके अगेंस्ट खड़े हों, कभी भी उसकी तरफ आपके ऊपर मेडिसिन को नहीं आना चाहिए। जिस तरफ विंड जा रही हो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में खड़े होकर स्प्रे करें ताकि आपके ऊपर स्प्रे ना आए। अभी ये थोड़ा स्प्रे कर लें तो फिर उसके बाद जो है फिर मैं जब दूसरा स्प्रे करता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ किन प्लांट्स में जो है मेरे जो है कीड़े कल देखे थे, जो आज भी मैंने आपको अभी भी दिखाए हैं, वो छोटे छोटे बग्स भी हैं उसमें, और इसमें वॉर्म टाइप के जो है नमी से कीड़े बढ़ जाते हैं, जिसका अब ये हम स्प्रे जिसकी वजह से इनको कर रहे हैं। ये मेरे अब कोचिया के पौधे अब तैयार हो रहे हैं, इन पे जो है फ्लावर आना शुरू हो गया है, तो होपफुली नेक्स्ट सीजन के लिए मेरे पास कोचिया का अपना घर का पॉट सीड होगा। ये इस तरह आप जो है स्प्रे करते रहें। आइडियल स्प्रे जो डिस्टेंस होता है वो तकरीबन 4-5 फुट होता है, लेकिन इसमें कीड़े बहुत ज्यादा थे। अब ये जैसे है ये आइडियल तरीका है स्प्रे करने का। इस तरह आपने स्प्रे करना है ताकि ये फैल के ये सब पत्तों के ऊपर चला जाएगा, हर चीज पे चला जाए। जो घने प्लांट हो उसको उस हिसाब से कर लें, तो थोड़ा सा ये स्प्रे हो जाए फिर मैं वापस आता हूँ। अच्छा दोस्तों, थोड़ा सा मेरा प्लान चेंज हो गया है। मेरा प्लान था पहले, ये मेरे मिर्ची के कुछ प्लांट हैं, इस पे कर्ली लीफ का प्रॉब्लम आ रहा था, और मैं सोच रहा था कि इन पे कोई और स्प्रे मारूं। ये देखें, ये कर्ली लीफ इन पे आ रहे थे, मेरे 3 प्लांट्स हैं। अब जो है मेरा प्लान बदल गया है, अब मैं सोच रहा हूँ कि इनको कर्ली लीफ का स्प्रे ना मारूं, इन पे भी जो है मैं अपना पॉलीट्रीन सी का ही स्प्रे एक दफा कर दूं। ये मेरे भिंडी के प्लांट लगे हुए हैं, चेरी टमाटोस लगा हुआ है मेरे पास, ये कल मैंने जो है मंगवाई है मट्टी है ये सारी मेरी पड़ी भी, ये जो 3 और 1-4 ये जो पड़े हैं ये जो हैं, और ये जो है ये काउडंग है जो कि डीकम्पोज होने के लिए मैंने बंद कर दिया है, जिनको हरा धनिया भी लगा हुआ है, ये मेरे पालक लगी हुई है, 3-4 दफा मैं काट चुका हूँ इसको, स्टिल चल रही है। ये जो है फाइकस ये मैंने रखा हुआ है, इंशाल्लाह इसको बोनसाई करना बताऊंगा, इसको मैंने बोनसाई करना है फिर वो करेंगे इंशाल्लाह। हाँ यही मार, बल्कि ये थोड़ा सा दूर रख के ना फिर स्प्रे कर दें, ऊपर आ जाए बस इन पे छींटा। ये हरी मिर्च जो है ना 1-2-3 हरी मिर्च है जो, ये 3 जो है कोने में, बस ये दवाई खत्म हो गई थी, तो 5 ml का मैंने स्प्रे और बनाया है ताकि ये जो मेरे बकाया पौधे हैं इनके ऊपर स्प्रे हो जाए।
माशाल्लाह दोस्तों, ये स्प्रे मेरा पूरा हो गया है, पौधों पे तकरीबन ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनुमा के सब लोगों का बहुत बड़ा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।